Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel, and today we are going to cover the first and second week of March important current affairs of Punjab state.

द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज आर दैट यहाँ पे यू कैन गेट द सेवन डेज फ्री ट्रायल सेवन डेज का फ्री ट्रायल लीजिए एंड जो भी क्लासेज आगे आ रही हैं सात दिन के अंदर आप उनको देख सकते हैं एंड उसके बाद जो है एनरोल कर सकते हैं वी हैव सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेलेक्शंस इन दीज एग्जाम्स कंसिस्टेंटली फॉर ट्वेंटी टू ईयर्स राइट सो Uh, 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 जो कोर्स है इसका जो लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली इस कोर्स में पहुंच सकते हैं और वहां पे सेवन डेज का अपना जो ट्रायल है उसको एक्टिव कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स राइट सो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिए ओके एंड okay? सबसे पहला जो सवाल है दैट इज़ पंजाब स्टेट इलेक्शंस राइट सो दो में अभी रिसेंटली इलेक्शन होके हटे हैं वी नो द रिजल्ट आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन इन इन, इन के अंदर और उन्होंने 117 मेंबर स्टेट असेंबली मतलब इनकी जो पंजाब स्टेट असेंबली है उसके अंदर 117 सीट्स में से 92 सीट्स जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है राइट सो so, काफ़ी बड़ी एक मैसिव विक्ट्री हुई है आम आदमी पार्टी जो कि रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा यंग है जिसने ये किया हुआ है राइट इस बार जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वोटर का आ, आ, जो टर्नआउट रहा है वो थोड़ा सा डिक्लाइन में रहा है ये भी आप याद रखिएगा यहाँ इन ज़्यादा देखा नहीं गया वोटर्स का टर्नआउट तो इस बार डिक्लाइन में रहा है लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी की काफ़ी अच्छी विक्ट्री रही है ये हमें एक्नॉलेज करना है इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम लोग बाकी पार्टीज़ की बात करें सो जैसे कांग्रेस हो गया शिरोमणि अकाली दल हो गए तो उनके हिस्से में कितनी सीट्स आई हैं जैसे कांग्रेस की सीट्स है एटीन सो इस बार कांग्रेस ने 18 सीट्स हुई हैं उनके हाथ में उसके बाद शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो तीन सीट्स उनके हिस्से में आई हैं भगवंत मान जो कि आपको पता है कि अभी पंजाब के सीएम हैं उन उन्होंने जो है काफी अच्छा उन्होंने विक्ट्री हासिल की अपने इस जगह से दैट इज धूरी जहां पे उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल की है दैट इज फिफ्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स वोट राइट सो दिस इज ऑल्सो थोड़ा पढ़ने वाला है पढ़ लेंगे राइट right? और ही इज ही इज ऑब्वियसली द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ओके अगर हम लोग बात करें चरणजीत सिंह चन्नी जो कि फॉर्मर सी रहे उन्होंने दो जगह से अपनी सीट्स के लिए चुनाव लड़ा था एक सीट का नाम था भदौर एंड दूसरा था चमकौर साहेब सो so, दोनों में ही इनको जो है डिफीट मिली राइट right? पहली सीट से उनको 37,558 वोट से वो हारे और दूसरी सीट जो है काफी क्लोज था दैट इज 7,948 वोट से ये हारे अब आम आदमी पार्टी की एक एक कैंडिडेट जिनका नाम है जीवन जोत कौर ये इनको माना जाता है कि इज़ अ जाइंट किलर जाइंट किलर इसीलिए रही क्योंकि इन्होंने डिफीट किया अमृतसर ईस्ट से ये सीट है अमृतसर ईस्ट यहाँ पे ये लड़ रही थी किन के सामने वो लोग जो मतलब जिनका नाम है जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हो गए जो कि पंजाब कांग्रेस के चीफ हैं उस टाइम पे थे और सीनियर शिरोमणि अकाली दल लीडर जिनका नाम विक्रम सिंह मजेठिया था तो इस सीट से ये जीती और ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इन्होंने हराया ओके okay. नाउ अगर हम बात करें फॉर्मर पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी हारे पटियाला से इनकी भी डिफीट हुई पटियाला से और यहाँ पर कौन जीता यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली ये जीते मार्जिन भी काफी अच्छा रहा 19,873 वोट्स ओके चलो अब बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल जो कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस था पब्लिक के ऊपर 2017 की बात कर रहे हैं हम लोग 2017 तक इनका इन्फ्लुएंस काफी रहा राइट right? बट उसके बाद इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ये डिक्लाइन का जो पीक पॉइंट है ये आपको इन इलेक्शंस में देखने को मिला अब देखिए इट इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट पार्टीज़ और इनके जो ओल्डेस्ट पार्टी के जो सबसे ओल्डेस्ट जो नेता रहे वो 94 ईयर ओल्ड प्रकाश सिंह बादल जो खुद हार गए है ना वो भी हार गए इस इलेक्शन के अंदर ठीक है सो फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं प्रकाश सिंह बादल ये लॉस्ट इन्होंने ये सीट हारी अपनी लंबी से और इनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी बहुत ज़्यादा रहा और इनके जो बेटे जिनका नाम सुखबीर सिंह बादल है वो भी हारे फ्रॉम जलालाबाद राइट तो आप इसको न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया राइट चलो अब नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देखते हैं पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी सो जैसे ही रिजल्ट आया इलेक्शंस का तो इनको समझ आ गया कि मैं दोनों सीट से हार चुका हूं तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को दे दिया राइट और आगे इनकी क्या स्टेटमेंट आती है वो देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यही बोला कि ऑब्वियसली इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं लोगों का जो आवाज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्रू देयर राइट टू वोट तो अब इनका क्या एक स्टेटमेंट आई दैट ही एक्सेप्ट द पीपल मैंडेट एंड कंटिन्यूड जो भी वील ऑलवेज बी देयर टू सर्व द पीपल ऑफ पंजाब ठीक है वील कंटिन्यू डूइंग आर ड्यूटी बी अमंग देम राइट right? तो ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं नई सरकार से आम आदमी पार्टी की नई जो सरकार है कि आप पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाते रहिए स्कीम्स चलाते रहिए ठीक है चीके? और इस तरीके से इनका एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था ओके नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट 2022 की सो so की यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो जिसमें आते हैं हरपाल चीमा जिनको बनाया गया है पंजाब का नया फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चिम्मा उसके बाद है डॉक्टर विजय सिंगला सो so, डॉक्टर विजय सिंगला जो है इनको बनाया गया है नया हेल्थ मिनिस्टर उसके बाद पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं भगवंत मान जिनको जिन्होंने अपने हाथ में होम डिपार्टमेंट लिया है ठीक है सो आप इतना ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो हैं इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ओके नाउ दस आम आदमी पार्टी के जो एम रहे हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का पोजीशन दी गई है ठीक है और नए जो पंजाब के जो न्यू पंजाब सीएम हैं उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग को हेल्ड किया ठीक है और उसमें कुछ डिसीजंस भी लिए जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट इज टू जनरेट मोर एंड मोर जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स देने की बात की जा रही है Uh, उसके ऊपर काफ़ी ज्यादा प्रोसेस भी uh, की जा रही है डिपार्टमेंट्स ने अप्रूवल भी दे दिया है लेट्स सी वॉट हैपन्स राइट चलो अब इसके अंदर क्या है कि फुल लिस्ट ऑफ पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है वो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल होम का होम डिपार्टमेंट uh, कौन देख रहे हैं भगवंत मान जी देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन देख रहे हैं हरपाल सिंह चिम्मा देख रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर कौन देख रहे हैं मिनिस्ट्री uh, कौन देख रहे हैं दैट इज गुरमीत सिंह मीत हायर ठीक है हेल्थ मिनिस्ट्री कौन देख रहे हैं डॉक्टर विजय सिंगला ठीक है उसके बाद है हरजोत सिंह बेंस क्या देख रहे हैं ये देख रहे हैं लॉ एंड टूरिज्म उसके बाद डॉक्टर बलजीत कौर क्या देख रही हैं ये देख रही हैं सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसके बाद हरभजन सिंह ई क्या देख रहे हैं पावर मिनिस्ट्री देख रहे हैं लालचंद कटोरू चक ये देख रहे हैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कुलदीप सिंह धालीवाल क्या देख रहे हैं मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एंड लास्ट इज लालजीत सिंह भुल्लर जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे हैं अंडरस्टैंड तो ये सारी मिनिस्ट्री कौन देख रहा है वो कहाँ से आता है राइट right? तो ये थोड़ा सा आप जरूर इसको याद रखिएगा पॉसिबल है क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज़ हैंडलिंग दी सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट तो हु इज हैंडलिंग डॉक्टर बलजीत कौर हैंडलिंग ये हैंडल uh, कर रही हैं ठीक है सो so, इस तरीके से कुछ भी सवाल इसमें से बन सकते हैं क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे 2022 ट्वेंटी टू राइट सो so, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए ऑब्वियसली ये आपका नेशनल न्यूज़ के अंदर इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज के अंदर आ जाता है ठीक है बट इसमें इस दिन एक एक बेसिकली इस ओकेजन में हमारे पंजाब के ही डॉक्टर एच एस सिंह हैं इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है इसीलिए ये दिन इंपॉर्टेंट आ गया कि वर्ल्ड स्लीप डे ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है एटीनथ मार्च को इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एटीनथ मार्च राइट तो यहाँ पे क्या बोला जाता है इस दिन बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाती है कि और जो भी जो स्लीप डिसऑर्डर होते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है ये सारी चीज़ें हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ स्लीप किया जाता है एंड कॉल टू एक्शन ऑन इम्पॉर्टेंट ईश्यूज़ रिलेटेड टू स्लीप इंक्लूडिंग मेडिसिन एजुकेशन सोशल एस्पेक्ट्स इन ड्राइविंग ये ऑर्गेनाइज किया जाता है दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट इट इज ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड स्लीप डे कमिटी ऑफ वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत है क्लियर टू लेसन द बर्डन ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स ऑन सोसाइटी थ्रू बेटर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स राइट इसी दिन इसी ओकेजन में हमारे जो डॉक्टर एच एस सिंह है एक रिनाउड चेस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं ठीक है एंड ऑल्सो ही इज़ अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटी ऑफ स्लीप मेडिसिन वो इन्फॉर्म करते हैं कि जो साउंड स्लीप होती है वो होती है छः से आठ घंटे की इट इज ऑफ सिक्स टू एट आवर्स इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट फॉर अ पर्सन जो जो हेल्दी लाइफ जीना चाहता है राइट right? सो so उसको हम लोग हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे ही इज टेकिंग सिक्स टू एट आवर्स ऑफ साउंड स्लीप राइट right? तो ये इनका एक स्टेटमेंट था इसके अलावा इन्होंने और कई सारी चीजें बोली कि एक स्लीप का मेन फंक्शन यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट वी हैव काउंटेड इन अ डे टू डे प्रैक्टिस इन है ना ये काफी ज्यादा हो जाता है नींद नहीं आती है लैक ऑफ साउंड स्लीप ठीक है इट इज सस्पेक्टेड दैट अराउंड 30 टू 35 मिलियन पीपल जो है इंडिया के अंदर दे आर सफरिंग फ्रॉम द स्लीप डिसऑर्डर्स राइट चलो ये आपने देख लिया नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है भगवंत मान जी कह रहे हैं जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर अब हैं ही इज सेइंग दैट आई वांट सपोर्ट फ्रॉम पीपल इन ऑर्डर टू सेव द ग्राउंड वाटर बिकॉज ये मैं बनाना चाहता हूं इसे पीपल्स मूवमेंट राइट कि ग्राउंड वाटर सेव करना है ठीक है अब देखिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं ही कॉल्ड अपॉन द फार्मर्स टू सेव किसानों को कहा उन्होंने टू सेव द एयर वाटर एंड लैंड ऑफ पंजाब बाय मेकिंग श्योर sure कि आप ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप साइकिल है फसलें उगाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके उसका साइकिल जो फॉलो कर रहे हैं उससे आप अपने को पीछे करिए और ऑल्टरनेट क्रॉप्स जो हैं जो कि कम टाइम लेती हैं कम पानी लेती हैं उनको आप फॉलो कीजिए ओके सो इनकी ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमें आती है बेसिकली uh, एक टू बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था उस टाइम पे उन्होंने यही कहा कि हमारे को मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रेन करने की किया कि वॉट आर द एग्रीकल्चर इशूज दैट पंजाब इज फेसिंग राइट तो उसमें एक सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल इशू बहुत बड़ा मैंने जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स थे उनके साथ डिस्कस किया कि कैसे हम लोग ग्राउंड वाटर को सेव कर सकते हैं ठीक है so, सो वहाँ से फिर सोल्यूशंस निकल के आए और वही सोल्यूशंस वो आगे इस पर्टिकुलर ओकेजन के टाइम पे लोगों को बता रहे हैं गैदर कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है दे आर दे आर वेरी वेरी क्लियर एज फार एज टू सेव द पंजाब ठीक है एंड बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो गवर्नमेंट आगे लेने वाली है इन ऑर्डर टू बूस्ट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जितना ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा किसानों को बेनिफिट हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके दूसरा जितना ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना कम पानी की यूसेज होगी राइट उन्होंने ये भी कहा दैट ही ऑल्सो अपील टू द फार्मर्स टू सो द पैडी पैड़ी को आप सो कीजिए ओनली ड्यूरिंग द मानसून सीजन क्योंकि तब जो है देर इज एडुकुट वाटर सप्लाई ठीक है ताकि ग्राउंड वाटर जो है उसको इस्तेमाल ना किया जा सके और ग्राउंड वाटर जो है उसको सेव किया जा सके राइट सो राधर देन इट अदर सीजन जहाँ पे पानी की किल्लत आ जाती है और फिर ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाटर को पैडी uh, की कल्टिवेशन के लिए आप उस टाइम पे मत कीजिए आप मानसून टाइम पे कीजिए ताकि पानी की जरूरत आपको ग्राउंड वाटर से पूरी ना करनी पड़े ठीक है ओके सो ही ऑल्सो एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द फास्ट डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर ही सेट इट इज़ अ कलेक्टिव ड्यूटी हमारी ये कलेक्टिव ड्यूटी है टू सेव दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन अंडरस्टूड सो दिस इज़ वॉट ही सेट और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है पंजाब के लिए पंजाब के किसानों के लिए राइट uh, एंड uh, right? इसका एक इम्पॉर्टेंट uh, रीज़न ये भी है कि पंजाब के अंदर जो है वो uh, जो टोपोग्राफी है पंजाब की वो एक तरीके से बाउल शेप्ड है तो जितना भी पानी आता है वो डिप्लीट एक तो पहली बात है कि जो कल्टीवेशन पैडी की हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जो भी पानी इकट्ठा भी होता है तो वो कुछ पॉइंट्स में होना शुरू हो जाता है वो सारी जगह आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलता क्योंकि वो टोपोग्राफी इस तरीके से है बाउल शेप की कि पानी जो है वो नीचे एक पॉइंट पे ही इकट्ठा होता है हर जगह वो पानी इकट्ठा नहीं हो पाता राइट तो टोपोग्राफी तो का भी रीज़न है दूसरी बात है कल्टीवेशन का भी रीज़न है और यू uh, नो you know, ये सारे रीजंस मिलके ही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की तरफ पंजाब को बढ़ा रहे हैं ओके सो दिस इज़ इट ये एक न्यूज़ थी एंड दिस इज इट फॉर टुडे सेशन अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए एंड ऑब्वियसली टेक दिस सेवन डेज फ्री ट्रायल एंड डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड प्रिपेयर योर एच सी एस एग्जामिनेशन इन एडवांस सो दैट आपको जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दें तो उसी में ही आप अपना प्रेलेंस मीन्स क्लियर करें और इंटरव्यू तक पहुँचें राइट सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू जय